हेलो एवरीवन, आज ये नाइट सीन पेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ में ले रहा हूँ, लाइक एक सर्कल सा बनाया है ब्लू कलर से। हाँ, सर्किल डजेंट मैटर है पूरा गोल है या नहीं है, बट थोड़ा आइडिया से हम सर्किल डायरेक्टली बना सकते हैं। कंपास वगैरह ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कंपास वगैरह सर्किल ड्रॉ करने की। सबसे पहले ब्लू कलर से मैंने एक यहाँ पे फ्री हैंड सर्कल बना दिया है। थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज़ में लिया है उसको लाइट करने के लिए, लाइक व्हाइट कलर यूज़ करने से थोड़ा लाइट हो जाएगा, स्काई ब्लू जैसा हो जाएगा जो भी डार्क ब्लू है थोड़ा, तो और व्हाइट लगाया मैंने। एंड इसको हम सेंटर से लाइक मून होता है वैसे हम राउंड लेने वाले हैं, तो यहाँ पे व्हाइट इसलिए बार बार अपन ऐड कर रहे हैं। एंड इसको लाइट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज एकदम से डार्क शेड एंड लाइट शेड नहीं दिख सकता है, ये धीरे धीरे ही लाइट की तरफ जाएगा जो डार्क है। तो मैंने फिर से व्हाइट ऐड किया एंड मैं इसको राउंड राउंड करके इसमें मिक्स करता चल रहा हूँ कंटिन्यूसली, लुक उसी तरह से। एंड यहाँ पे थोड़ा वाटर भी यूज़ में ले रहा हूँ, बिकॉज एक्रेलिक पेंट है, ड्राई हो जाएगा तो मिक्स नहीं हो पाएगा, मिक्स होने में दिक्कत होगी, तो वाटर यूज़ में लेते जाना है। एंड थोड़ा जल्दी मिक्स करने की कोशिश करनी है। मैंने इसके जो कॉर्नर्स है वहाँ पे पूरा डार्क ब्लू कलर यूज़ में ले लिया है, पहले कॉर्नर्स को पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद मिक्सिंग पे इस पर वापस से मिक्सिंग पे आएंगे। लुक मैंने फिर से थोड़ा सा कलर लिया और पानी लिया एंड तो मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्हाइट कलर लिया है उसको मिक्स करने के लिए। एंड इस पूरे वाले राउंड वाले जो पार्ट है सर्किल वाले, इसको पूरे को ऐसे ही अच्छे से मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे जब तक ये परफेक्ट नहीं लगने लग जाता है, थोड़ा मिक्स जैसा नहीं लगने लग जाता है। कॉर्नर्स पेंट कर लिए मैंने, यहाँ पर टेप यूज़ में लिया है जिससे कि एक अच्छी सी बाउंड्री हमारी बन सके जब हम स्टेप को हटाएं। लुक अभी वही मिक्सिंग वगैरह वाला पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी पार्ट सही नहीं लग रहा है कहीं कहीं जगह से। मैंने फिर से व्हाइट यूज़ में लिया है, बट ये व्हाइट हमें जब हमें हाईलाइट देनी है, बहुत अच्छा व्हाइट दिखाना है, तो हमें एकदम से नहीं करना है। हाँ, ड्राई होने के बाद में व्हाइट ऐड करते हैं, एकदम से आप करोगे तो ब्लू होता जाएगा, तो इफ व्हाइट ऐड करना है आपको एट द एंड तो ड्राई होने के बाद होएगा। अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे को मिक्स ही तो करना है। अभी पूरा पार्ट हो गया है, थोड़ा सा और मैं डार्क ब्लू वहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए लाइट और डार्क का। तो मैंने इसके जो पूरे कॉर्नर से वहाँ पे अच्छे से डार्क ब्लू यूज़ में लिया है और बीच में व्हाइट मिक्स करके इसको लाइट कर दिया है। अब हम ब्रांचेस बनाने वाले हैं कुछ ट्री की, जैसे साइड से कोई ट्री हो, ब्रांचेस निकल रही है। ब्रांचेस के लिए आई एम यूजिंग हेयर ओनली ब्लैक कलर, बट वाटर के साथ में ले रहा हूँ क्योंकि ब्रश स्मूथली चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर यूज़ में लेना है, बट थोड़े पानी के साथ, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेंगे पर थोड़ा तो लेंगे, क्योंकि पानी के बिना नहीं हो पाएगा पेंट इजीली। ब्रांचेस अपन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे मुझे सही लगा मैंने बना दिया है, आप भी थोड़ा बना अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसे आपको सही लगता है। यहाँ पे एक बात बस ये ध्यान रखनी, जो आगे वाली छोटी वाली ब्रांचेस होंगी वो जो पीछे वाली ब्रांचेस है उनके कंपेरिजन में थोड़ी छोटी होगी। जैसे सपोज जो पीछे से आ रही है ना सबसे बड़ी ब्रांचेस, जो मैंने लेफ्ट साइड के टॉप से मैंने स्टार्ट किया है, वो मोटी है, बाकी सब थोड़ी पतली है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख सकते हैं। जो ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट में थोड़ी जा रही है उनको थोड़ा पतला बना देंगे तो इट विल लुक लाइक थोड़ा रियल जैसा लगेगा। तो मैंने एक बड़ी ब्रांचेस यहाँ पे भी बना ली है, यहाँ पे थोड़ी कुछ सब ब्रांचेस बड़ी वाली ब्रांच की जो हैं कुछ ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन जैसा हमें सही लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छोटी ब्रांच भी ऐड कर ली है अभी। एंड हम और चाहें तो और ब्रांचेस बना सकते हैं, मुझे वहाँ पे कैट बनानी है इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। एंड आई एम एडिंग सम व्हाइट कलर्स डॉट्स हियर, जो मूनलाइट होता है तो वहाँ पे कुछ दिखते हैं ना स्टार्स वगैरह, उस तरह से मैंने यहाँ पे ब्रश से ही जीरो नंबर का ब्रश मैंने यूज़ में लिया है, राउंड वाला ब्रश, जीरो नंबर का राउंड वाला ब्रश से मैं कर रहा हूँ। इसकी और टेक्निक्स भी हम वो भी यूज़ में ले सकते हैं, आप ब्रश से कर सकते हो, ब्रश को ऐसे डिप डिप करके। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा आपको। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से डॉट लगा दें जीरो नंबर के ब्रश से, छोटे छोटे छोटे, ज़्यादा मोटे भी नहीं लगाने, इट लुक लाइक कि हाँ मूनलाइट थोड़ा ऐसा है। अब कैट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पेंट कर दिया है लास्ट वीडियो की तरह ही, आप यहाँ पे चाहें तो पहले ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका आइडिया था तो मैंने कर दिया है, बट ड्रॉ करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो हम पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे इजीली, देन हम इसको फिल कर लेंगे कलर को। तो इसका बेस तो बन गया है कैट का, अब इसके थोड़े ईयर्स एंड थोड़ी इसकी टेल जो पूछ होती है एंड इसकी जो मुस्टेस टाइप के कुछ बाल होते हैं वो सब बना लेंगे, बट थोड़ा सा आप इसकी प्रोपोर्शन का ध्यान रखना, लाइक कितना बड़ा एंड ऑल, लाइक फेस जितना है उतनी बॉडी, बॉडी उतनी बने इसकी। इसके कान बना लिए हैं एंड ये थोड़े हेयर बन गए इसके जो मुंह पे होते हैं थोड़े छोटे छोटे, एंड टेल तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। आई थिंक इसकी बॉडी थोड़ी सी और, हाँ बॉडी थोड़ी सी और मोटी कर देंगे एंड ये कंप्लीट हो गया है पूरा। टैप हटा लेते हैं, अब टैप को आराम से हटाएंगे, यदि आप टैप यूज़ में ले रहे हो तो इसको आराम से लेना, बिकॉज ये कभी कभी पेपर को फाड़ देता है पूरा,
तो इसको आराम से हटा लेंगे पेपर को चारों तरफ से, टैप को पेपर पे से। लुक, सबसे ऊपर वाली हटाइए, अब लेफ्ट वाली, देन नीचे वाली, राइट वाली। इसको ये भी ध्यान रखना है कि ये ड्राई होने के बाद हटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ गीला आप उस पर टच करोगे तो कलर आपके फिंगर्स पे लग जाएगा। एंड इट हैज़ कंप्लीटेड, हैव अ लुक। सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। हाउ कुड आई इम्प्रूव माई वीडियोज एंड ऑल एवरीथिंग, सो प्लीज़ लेट मी नो। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।